और इस वक्त की बड़ी खबर बीएसपी से जुड़ी हुई है। बीएसपी विधायक रोमी साहनी और ब्रजेश कुमार बीएसपी से बगावत कर सकते हैं। रोमी साहनी लखीमपुर से विधायक हैं तो ब्रजेश हरदोई से। बताया जा रहा है कि दयाशंकर सिंह के परिवार पर हुई टिप्पणियों से दोनों नाराज हैं। तो बीएसपी के दो विधायक कर सकते हैं बगावत, ब्रजेश और रोमी साहनी। रोमी साहनी लखीमपुर खीरी से विधायक है और ब्रजेश हरदोई से। बताया जा रहा है दयाशंकर की परिवार के ऊपर की गई टिप्पणियों से दोनों लोग खफा थे, पार्टी के स्टैंड से खफा थे, लिहाजा पार्टी से बगावत करेगा। कुछ देर बाद सुनने में आ रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो बड़ी खबर बीएसपी के क्वार्टर से आती हुई, जहां पे बीएसपी के दो विधायक बगावत करने की बात करें। और लगातार बीएसपी से जिस तरह से खबरें आई हैं, इससे पहले भी बीएसपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, जिस तरह से बीएसपी का दामन छोड़ रहे हैं नेता, उससे एक के बाद एक, और इसके बाद ये खबर कितनी बड़ी हो सकती है? बिल्कुल प्रतीक, लगातार जिस तरीके से बीएसपी से नेताओं का निकलने का दौर शुरू हुआ है, वो बीएसपी के लिए बहुत बड़ा डेंट है राजनीतिक तौर पर। इस पूरे जयशंकर वाले प्रकरण में बीएसपी ने लगातार एक स्टैंड लिया था कि उनका जो विरोध है वो जायज विरोध है, और जिस तरीके से जयशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो के खिलाफ कमेंट किया है वो उसका विरोध करेंगे। लेकिन अब उसी मुद्दे पर पार्टी के दो विधायक सामने आ रहे हैं और कुछ ही देर में वो अपनी पीसी करेंगे, जिसका पूरा का पूरा विषय इसी बात को लेकर रखा गया है कि जिस तरीके से जयशंकर सिंह की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी मां के खिलाफ आ गया है वो गलत है। और इस तरीके से उत्कर्ष हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे जुड़ते हैं। आज बड़े दुख के साथ भारी मन से हम लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का आदर्श सहित अपना दर्द साझा करना चाहते हैं। इधर कुछ दिनों से जो कुछ पार्टी में चल रहा है, जिसके कारण समाज के हर वर्ग में एक गलत संदेश पहुंचा है, जिस कारण हम लोगों को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हम दोनों विधायकों का दर्द कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले श्री दयाशंकर सिंह द्वारा बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की गई, हम दोनों विधायक उसका कड़ा विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्री दयाशंकर सिंह जी द्वारा बहन जी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में जो नारे लगाए गए कि बेटी, बहन, माँ और पत्नी को पेश करो, पेश करो, उन नारों से हम दोनों को बहुत आघात पहुंचा। हम उन नारों का घोर विरोध करते हैं। दयाशंकर की टिप्पणी की सजा उनकी 12 वर्ष की मासूम बच्ची, पत्नी, माँ को दी गई या बेहद ही इस प्रदेश एवं देश के लिए शर्मनाक घटना थी। इस संकट की घड़ी में हम दोनों विधायक पूरी संवेदना उस परिवार के साथ रखते हैं। हमको अपनी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनसे हम यह भी आग्रह करना चाहते हैं, इस समय चुनावी वर्ष में टिकटों की जो खरीद फरोख्त का दौर चल रहा है, इसके कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारी पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के सपनों को चकनाचूर करने का काम हो रहा है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। क्योंकि हम दोनों इसी पार्टी से विधायक हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में जिनको प्रत्याशी घोषित, तो बसपा के दो विधायकों ने पार्टी छोड़ने का बनाया मन और विरोध के अवस के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और दयाशंकर के मामले में एक नया टर्न आता हुआ। बसपा के दो विधायकों ने कहा कि दयाशंकर के ऊपर जो, उनके परिवार के ऊपर जो बातें की गई, जो टिप्पणियां की गई, उनकी महिलाओं के बारे में जो टिप्पणियां की, उससे वो आहत हैं, और आहत होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लिहाजा वो पार्टी से छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।